खबर यूपी के सुल्तानपुर जिले में एक दिलचस्प और विवादास्पद घटना सामने आई है, जहां एक ग्रेजुएट दुल्हन ने शादी के मंडप में दूल्हे को मंदबुद्धि बताते हुए शादी से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि यह घटना दोस्तपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद कला गांव में हुई। दुल्हन और दूल्हे के बीच शादी की रस्मों की शुरुआत के बाद जयमाला के दौरान दुल्हन ने अपने से कम पढ़े लिखे दूल्हे को असमर्थ बताते हुए शादी से मना कर दिया, जिससे विवाह के मंडप में हड़कंप मच गया। इसी के साथ ही रात भर परिजनों के बीच समझौता हुआ, लेकिन दुल्हन ने शादी करने से इनकार किया। इसके बाद बारात को बिना शादी के लौटना पड़ा। मंगलवार को दोनों पक्ष थाने पहुंचे, जहां पंचायत के बाद तय हुआ कि लड़के के पक्ष से तिलक का सामान लौटाने पर दुल्हन का शादी के गहने वापस किए जाएंगे। आपको बता दें कि लड़के के पिता ने कहा कि शादी के दौरान कोई समस्या नहीं थी, लेकिन दुल्हन ने बाद में गहनों के लिए विवाद उठाया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बेचन नाम से क्या मामला है? शादी लेके क्यों शादी कैंसिल हुई? शादी जयमाल तक पूरा क्लियर हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी। जयमाल होने के बाद लड़की अंदर गई, वो कपड़ा नहीं पहनी। वहाँ देखे था कि चूड़ी चप्पल के लिए खाली बवाल हुआ कि हम शादी नहीं करेंगे। वहाँ फिर चूड़ी चप्पल के हम भूल गए, लेने ही गए वहाँ पर। अच्छा, तो इसीलिए शादी कैंसिल कर दी कि हम शादी नहीं करेंगे। आप लोग की आज पंचायत हुई, क्या पंचायत में कुछ निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष वही कर रहे हैं कि जो है क्या बोलते हैं तिलक, हाँ तिलक हमारा दे दीजिए और अपना गहना वापस ले लीजिए। अच्छा, मतलब वो तिलक का आप खर्चा दे दें, हाँ, और गहना आप ले जाए। हाँ, यही मामला है। शादी की बात बन नहीं रही है। शादी के बाद इनकार, लड़की के बाप इनकार कर दिया। क्या आप लोग पुलिस में कोई तहरीर दिए हैं? तहरीर दिए, एप्लीकेशन दिए हैं। आप दिए हैं? हाँ जी। अच्छा, कब दिए? कल दिए हैं।